नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल जिस तरह से हमने चर्चा की थी, हम आपको बता रहे थे कि अनंतनाग रजौरी के चुनाव की तिथियां बदल सकती हैं, डेफर हो सकते हैं, कैंसल हो सकते हैं, तिथि बदल सकती है। और वो शाम को वो ऑर्डर भी आ गया, एक प्रेस नोट आया, जिसे कल शाम को ही हमने आप तक पहुंचा दिया। अब आज इसके विरुद्ध में PDP के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट किया है। PDP के कार्यकर्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि महबूबा मुफ्ती यहां से जीत के लोकसभा में जाए। एक स्ट्रांग आवाज कश्मीर की लोकसभा में पहुंचे, उसको रोकने के लिए उन्होंने इन डेट्स को चेंज किया है, हालांकि जरूरत नहीं थी। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि जिस वक्त बारिश हो रही थी तब डेट चेंज नहीं की, पोस्टपोन या कैंसिल या जो भी है उसे नहीं किया, लेकिन जबकि रास्ता खुला है, धूप निकली हुई है, अब इन्होंने इसको डेट को चेंज कर दिया। जैसे हमने कल बताया कि सेक्शन 56 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 7 मई को जो चुनाव होने थे वो 25 मई को 2024 को होंगे, तीसरे चरण में होंगे, क्योंकि वहां जो पॉलिटिकल पार्टीज थी चुनाव लड़ रही थी, खासकर भारतीय जनता पार्टी थी, अपनी पार्टी थी, पीपल डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस थी, इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि मौसम और हालात यहां पे ठीक नहीं है, इसलिए चुनावों को डेफर किया जाए। उसी को लेके कल इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला किया, लेकिन आज इसको लेके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं इसी पे, इससे पहले भी जबकि ये रिप्रेजेंटेशन गई थी तभी महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि इनकी बात को ना सुना जाए, ये जानबूझकर चुनावों को आगे ले जा रहे हैं। यहां पर बहुत बार मौसम इससे भी ज्यादा खराब हुआ है, लेकिन चुनाव कहीं रुके नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पार्टी जो खुद तो चुनाव लड़ नहीं रही, वो इसको पोस्टपोन करवाने पे लगी हुई है। आखिर वही हुआ जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, लेकिन इसका भी जवाब लोग देंगे, वोटर देंगे कि क्यों किसी को फायदा उठाने के लिए आप चुनावों की तिथियों को बदल रहे हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ साथ IIT की टीमें रामबन जिले के परनोत गांव में भू दसवान के कारणों का पता लगाएंगी, साथ ही निवारक उपायों की सिफारिश भी करेंगी। गांव का कई किलोमीटर का इलाका भू दसवान की चपेट में आ गया है, इससे प्रभावित हुए 90 परिवारों के 413 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। मंगलवार को मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भू दंसाव से प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्वास के उपायों की जानकारी व समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्र परनोत से स्थानांतरित किए परिवारों के लिए बनाए अस्थायी आवास की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वहां बिस्तर, भोजन, पानी, बिजली, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता व अन्य सुविधाओं के पर्याप्त व्यवस्था की जाए। सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कटे हुए क्षेत्रों के साथ सड़क संपर्क स्थापित करने की संभावना तलाशने को कहा। उन्होंने संभागीय आयुक्त तो रामबन DC को जमीनी स्थिति को देखते हुए उचित पुनर्वास योजना तैयार करने को कहा। विस्थापित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए SDRF और रेड क्रॉस का सहयोग लेने को कहा। DC रामबन ने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए पंचायत घर और 2 सामुदायिक हॉल में आवास स्थापित किए गए हैं। गूल उपजिले से हल्के वाहनों की आवाजाही की व्यवस्था माहौर रियासी के माध्यम से की गई है। इसके अलावा एक लिंक रोड भी जल्द शुरू की जाएगी। बैठक में जल शक्ति, गृह विभाग, PDD, ADGP, कानून व्यवस्था, संभागीय आयुक्त, DC रामबन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। परनोत इलाके
में धीमी गति से भू दंसाव का सिलसिला जारी है। पाबंदियों के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और चिकित्सा टीमें स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम ने इलाके का दौरा कर प्रभावितों से बात की। प्रभावितों ने सुरक्षित स्थानों पर जमीन उपलब्ध करवाने व पुनर्वास की मांग रखी है। आज उधमपुर के सलाथिया चौक में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा इंटरनेशनल लेबर डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों को उनके हकों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही साथ सरकार द्वारा उनके लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। इस मौके पर शिकागो के शहीदों को भी याद किया गया। 1986 में अमरीका में एक मजदूरों ने स्ट्राइक शुरू की थी और स्ट्राइक इसलिए शुरू की थी के मजदूर तबका से एक दिन में 15-15 घंटे जो है काम लिया जाता था और जो 15 घंटे जो टाइम था उसके खिलाफ उन्होंने स्ट्राइक शुरू की थी, जिसको लेकर उनके ऊपर गोलियां चली। कई मजदूर तबका के लोग जो है वहां पर शहीद हुए थे। और फिर जहां तक भारत की बात करें, जहां पर 1923 में सबसे पहले मद्रास में ये दिन मनाना शुरू किया गया, तो यही मकसद था कि 15-15 घंटे जो काम करवाना मजदूर से। उधमपुर के टी मोड़ क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक कार द्वारा कई गाड़ियों को टक्कर मारी गई, उसके उपरांत दो स्कूटी सवार युवतियों को भी टक्कर मारी गई। इसमें दो लोग घायल हुए हैं। पुलिस द्वारा गाड़ी को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। हम अपनी दुकान पे रोज़ाना की तरह काम कर रहे थे, तो हमने देखा इनके साथ कुछ उसकी बातचीत चल रही थी। इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, वो डर के मारे उसने एक्सीलेटर दबाया, पता नहीं क्या किया, वो वहाँ से आया तेज़। यहाँ से एक स्कूटी बेचारे चल रहे थे, दो बेटियाँ थी उनकी और एक अंकल थे, उनको पहले उसने हिट किया, वो स्कूटी टोटल डैमेज हुई। फिर उनसे नहीं उसने वो किया, फिर उसके आगे आके यहाँ पे एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी लगी हुई थी, उसमें एक आर्मी वाले पर्सन बैठे हुए थे। फिर उन्होंने उनको हिट करने की कोशिश की, उन्होंने वहाँ से जंप कर दी और वो पूरा इस मामले में इनकी पूरी जितना भी था ये सब डैमेज हो गया। चार स्कूटियाँ लगी थी यहाँ पे और एक बाइक लगी थी, वो सब डैमेज हो गई। तो यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, फिर उन्होंने उसको पकड़ के यहाँ पे बिठाया। फिर हमने SHO साहब को फ़ोन किया, उनकी टीम आई, फिर उसको यहाँ से हम ले गए वहाँ पे पुलिस स्टेशन। जिला कठुआ के पहाड़ी इलाकों में आतंकी होने की सूचना से दहशत का माहौल बनने से SOG व सेना की तैनाती की मांग को लेकर पहाड़ी लोग DC कठुआ से मिले, पंचायत ढग्गर का। तो हमारे वहाँ एतवार से मिलिटेंट आए हुए हैं, जो इनकाउंटर हुआ चोचरू गला में, वहाँ से उधर उस तरफ से आर्मी, जैसे ही आर्मी ने उनको थोड़ा पुशअप किया तो उनका आसान तरीका है, आसान जगह उनको मिल जाती है ढग्गर में। ढग्गर बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, वहाँ पर बड़े इतने जहाँ पर वो बैठे हुए हैं इतने बोल्डर्स और इतने डेंस फॉरेस्ट हैं कि आदमी उनको ढूंढ नहीं सकता। हालांकि आर्मी और ये पुलिस का एक्शन चल रहा है, सरकार बैठी नहीं है, सरकार काम अपना कर रही है, लेकिन मेरी स्पेशल गुहारी हिसाब से ये है कि वहाँ पर पुलिस का और एस में ये CRP का काम ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़ा जंगल है और हमारी CRP और पुलिस जो है वो शायद मैं समझता हूँ कि उस काम के लिए ट्रेन नहीं है। लिहाजा मेरी गुहार है कि जो SOG की पोस्ट पहले से लगी हुई थी वहाँ पर चोचरू गला में और कमलोह गला में, उनको दोबारा बहाल किया जाए और ढग्गर में आर्मी डिप्लाई की जाए, ताकि लोगों में जो इनसिक्योरिटी इस वक्त फीलिंग हो रही है वो सिक्योर लोग समझें। और हमारी जो गन्स पहले आर्डर हुआ था, गवर्नमेंट आर्डर इलेक्शन से पहले डिपॉजिट करने का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तो उस वक्त हमने वो जमा करवाए थे हथियार अपने। तो डी साहब से गुहार लगाता हूँ कि वो हमारे वेपन भी आज ही बल्कि आर्डर किया जाए ताकि हमें कल वेपन मिल सके। बेमौसमी बारिश व तूफान से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, इससे किसान काफी चिंतित है। किसानों ने सरकार से गेहूं की फसल का नुकसान हुए जाने को लेकर सरकार से इसकी उचित मुआवजे की मांग की है। मिला 1000 रुपए क्विंटल का, वो कम हो गया, अंदर पड़ी सूख रही है, उससे कुछ नहीं मिला हमारे को, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे को जो नुकसान है हमारा तुरंत इसका जायजा लेके हमारा नुकसान जो है दिया जाए। हमारे को बार 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 मोदी सरकार को भी बोल रहे हैं, एलजी साहब को भी हमारी गुजारिश है कि हमारा नुकसान जो है दिया जाए, जिम्मेदारों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए रहने। लद्दाख लोकसभा सीट के लिए हाजी मोहम्मद हनीफा जॉन
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बुधवार को दोनों पार्टियों ने सहमति के साथ उनके नाम पर मोहर लगा दी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नेका और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू में कांग्रेस ने और कश्मीर में नेका ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस सीट पर भाजपा के एडवोकेट ताशी ग्यालसन मैदान में है। भाजपा ने लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया है। पेशे से वकील ग्यालसन लिंक शेड निर्वाचन क्षेत्र से पार्षद हैं और 2020 में उन्हें छठी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ले के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद के रूप में चुना गया था। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में वह पीडीपी के सदस्य थे। भाजपा पीडीपी गठबंधन सरकार गिरने के बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के कुछ समय बाद ही उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया। उधमपुर के बसंतगढ़ में बीडीजी सदस्य की हत्या कर जंगलों में फरार आतंकियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा कसता जा रहा है। सुरक्षा बलों ने जंगल में तीन तरफ से घेराबंदी की है। कठुआ के डगर बसंतगढ़ व डोडा जिले की ओर से तलाशी अभियान चल रहा है। बुधवार को चौथे दिन भी तलाशी अभियान जारी रहा। इस दौरान मानव रहित हवाई वाहन का भी प्रयोग किया जा रहा है, जबकि ड्रोन हेलीकॉप्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से पहले दिन से ही जंगलों को खंगाला जा रहा है। सेना सीआरपीएफ पुलिस व एसओजी ने मंगलवार को तीसरे दिन भी बसंतगढ़ के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में आतंकियों की धरपकड़ के तलाशी अभियान जारी रखा। डुडू क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से तलाश की गई। 28 अप्रैल को बसंतगढ़ में आतंकी मुठभेड़ के बाद से ही सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है। डुडू इलाके में डॉग स्क्वाड के साथ ही ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। अभी तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं लगा है, जिस कारण अभियान को तेज करने के लिए कठुआ के बाद अब किश्तवाड़ और डोडा की ओर से भी सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी जारी कर दी है। इस संदर्भ में एसएचओ बसंतगढ़ राजेंद्र शर्मा ने बताया कि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। संदेह के आधार पर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर अब मतदान छठे चरण में 25 मई को होंगे। चुनाव आयोग ने इसकी तिथि में बदलाव किया है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका विरोध जताया है। पीडीपी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए, महबूबा मुफ्ती को संसद जाने से नहीं रोका जा सकता। तब दौरा किया जब फायरिंग हो रही थी, लोग घरों से भागे हुए थे, तो आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कामयाब करें। और इन्होंने तो इलेक्शन की डेट बढ़ा दी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया, क्योंकि हमारे गरीब वर्कर अपने जेब से पैसा खर्च करके चलाते हैं। आप उनको और 20-25 दिन काम करना पड़ेगा उससे। हम उस चीज का मुकाबला कर रहे हैं। और एक मिनट बात करने दीजिए। कोटा लगाओ, यहाँ से कोटा हटाओ। बात करने दीजिए। तो दूसरा, जो इलेक्शन डिले करने का एक तो जो अफसर है, उन्होंने कुछ बताया नहीं क्यों डिले किया, क्या वजह है। हम जानना चाहेंगे क्या वजह है। क्या ये अफसर भी मिले हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, बीजेपी के साथ, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी? दूसरी बात ये, क्या ये जिस तरह कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बीजेपी लीडर धमका रहा था लोगों को कि अगर तुमने हमारे प्रॉक्सी कैंडिडेट को, जो इनके प्रॉक्सी कैंडिडेट है, अगर उसको वोट नहीं दिया तो 1947 जैसे हालात हम बनाएंगे। यानी ये वक्त चाहते हैं ताकि ये दहशत फैला सके, यहाँ पर लोगों को मजबूर कर सके। मगर मैंने जो यहाँ पर बलबला देखा, लोगों का इस्तकबाल देखा, मुझे यकीन है कि आप मुफ्ती साहब को नजर में रखते हुए, मुझे नजर में रखते हुए 25 मई को निकलेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों को इससे फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वरना चुनाव को टालने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुगल रोड वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि चुनाव आयोग भाजपा की मदद कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी करें, जितनी चाहें उतनी साजिश कर सकते हैं। इस चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को हार का सामना करना पड़ेगा। नेका के प्रवक्ता इमरान नवी डार ने कहा कि अनंतनाग संसदीय क्षेत्र का पुनर्निर्धारण एक चिंता का विषय है। उन सभी को चिंतित होना चाहिए जो हमारे चुनाव निकायों की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। ये परेशान करने वाली बात है कि उन राजनीतिक दलों की राय को भी ध्यान में नहीं रखा गया जो दौड़ में थे ही नहीं। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, नेका ये सीट जीतेगी। यहां बता दें कि नेका की ओर से मियां अल्ताफ उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं, जिनका मुकाबला पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ है।
साजिशों का अगर आपको मिसाल चाहिए तो कल का इलेक्शन कमीशन का फैसला देखिए। हमने हफ्ता पहले कहा था कि यह फैसला मत लीजिए, यहां के इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब बारिश पड़ रही थी तब नहीं किया, जब धूप निकली तब कहा इलेक्शन पोस्टपोन करो। हमने ये तक कहा इलेक्शन कमीशन को कि खुदा ना हमें बताइए ना, जो लोग आपसे इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं वो तो मैदान में नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार नहीं है, जिनके आप ये चिट्ठियां लेके या इंतजामिया को भेज रहे हो, उनका जब उम्मीदवार नहीं है तो इलेक्शन के मुतल्लिक अपनी राय क्यों दे रहे हैं। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने स्थानीय आबादी की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया है। इन परियोजनाओं में सभी बाधाओं को प्राथमिकता पर दूर करके इन्हें लक्षित समय में पूरा किया जाए। सलाहकार ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जम्मू कश्मीर में चल रही प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सलाहकार ने प्रदेश में जारी प्रमुख परियोजनाओं का मूल्यांकन करते हुए संबंधित परियोजना निष्पादन एजेंसियों से व्यापक विवरण मांगा। इन परियोजनाओं में अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी संबंधित के साथ सबने मजबूत बनाकर काम किया जाए। इन परियोजनाओं में आम जनता की भलाई के लिए हितधारकों के साथ काम किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वास्थ्य परियोजनाओं को समय पर और निर्बाध रूप में पूरा करने एक करके एक सुसंगत मार्ग तैयार करने का काम करें। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और इन परियोजनाओं को निष्पादित करते समय पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने को पर कोई समझौता नहीं किया जाए। बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग भूपेंद्र कुमार, सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉ. सैयद आबिद रशीद, मिशन निदेशक NHM नाजिम जई खान आदि मौजूद रहे। रामबन में हिंगनी, डलवास, किश्तवाड़ी, पत्थर, मारोग सहित करीब आधा दर्जन स्थानों पर पस्सियां गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार को दूसरे दिन भी बंद रहा। उधमपुर और रामबन में रोक कर रखे गए वाहनों की लंबी कतार लगी रही। दिन भर यात्री व चालक राजमार्ग के खुलने का इंतजार करते रहे और शाम तक इंतजार करने के बाद निराशा ही मिली। कई यात्रियों के वाहन जम्मू की तरफ वापस लौट गए। पुलिस का कहना है कि जब भी राजमार्ग खुलेगा तो पहले बीच में फंसे वाहनों को रवाना किया जाएगा। बारिश के बीच रविवार देर रात को विभिन्न स्थानों पर पस्सियां गिरने से राजमार्ग बंद हुआ था। सोमवार को दिनभर मौसम के खराब रहने के कारण राजमार्ग को खोलने का काम भी प्रभावित होता रहा, लेकिन मंगलवार को मौसम के साफ होने के बाद राजमार्ग को खोलने का काम तेजी से शुरू किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व समाज कल्याण मंत्री सज्जाद गनी लोन संसदीय चुनाव में बारामूला कुपवाड़ा संसदीय सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लोन दूसरी बार संसदीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पहली बार वर्ष 2008 में इसी सीट से चुनाव लड़ा था और वह हार गए थे। वर्ष 2014 में उन्होंने इस सीट पर अब्दुल सलाम बजाड़ और वर्ष 2019 में राजा एजाज अली को मैदान में उतारा था। पिछले संसदीय चुनाव में पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनका बतौर उम्मीदवार दूसरा संसदीय चुनाव होगा। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं। लद्दाख लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार एडवोकेट ताशी नामग्याल बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। मतदान 20 मई को होना है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 मई है। इस सीट पर कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। उसे यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थन दे रही है। अलबत्ता पार्टी उलझन में है कि उम्मीदवार ले जिले का उतारा जाए या फिर कारगिल से। बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि कारगिल जिले के निवासी को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाए। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।